गई तो जब बिटिया गुजर गई तो वही मर तो सबको कब्जा की ही है। हाँ, जब बिटिया वाल लहास पर ही रहा यार, सब जने माधो माधो की है रहे हैं, हाली हाली हैं। मुकदमा चल रहा है 2-3 साल से। हाँ, मुकदमा जब चल रहा था तब नहीं कब्जा हुआ था ना? नहीं, कब्जा कुछ नहीं हुआ रहा तब जी। सब हमारा रहा, मुकदमे के दौरान ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे मामला हैं, अभी तो हमने शुरुआत किया इस मामले में कि कहां सच्चाई है, अच्छाई है और कहां कहां इनको परेशान किया गया है। नमस्कार, मैं क्यूटी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज। जमीनों का जो विवाद है वो बलरामपुर से ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी जो जितना पावरफुल होगा उतने उसके पास ज़मीनें होंगी। हम इस वक्त मौजूद हैं बलरामपुर ज़िले के गजपुर ग्रंट के तेलीडीह पर, और वहाँ पर एक मजबूर महिला मुझे दिखाई पड़ी जो बरसों से अपने ज़मीन पर कब्जा नहीं पा रही। इनके ही पास पड़ोस के लोग, इनके ही घर परिवार के लोग इन पर जबरन दबाव बनाकर इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अब कब्जा जब ज़मीनें हो जाती हैं तो लोग कोर्ट और कचहरी का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ भी ठगी के लोग शिकार हो जाते हैं। यानी वकील भी अपने ईमान और धर्म से बिक जाता है और वो दूसरी पार्टियों से मिलकर उसमें भी रद्दोबदल करने लगता है। इस पीड़ित महिला से हम जानेंगे कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, कितनी इनकी ज़मीनें थी और उस पर कितना कब्जा हुआ है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इन पर दबाव बनाकर इनको पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? बिरजा देवी जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? तेलियक गांव जी। क्या मामला है आपका? जमीन के मामला रहा जी, तो वो हमारा आजा बाबा दिए लिए रहे, बटुआर एक जगह रहा, तो आज घरे मन निये रहा, छपरा रहा, सब उजार के बहाए दिन, पेड़ पौधा है अभी। ये कब की घटना है? आज से 1-2 साल पहले की? जल्दी नहीं, अभी ये तो मामला शुरू है 2 साल से। अच्छा, तो 2 साल के बीच में आपका मुकदमा भी चल रहा होगा? मुकदमा चल रहा है, उतरौला से चलत है मुकदमा जी, फिर वहाँ गोंडा से चलत है, कमिश्नरी से। हाँ। यानी तो कितने वकील हैं आपके पास? 2 होंगे? 2 हैं। निपटारा नहीं हो पाया ना? निपटारा नहीं हो पास है जी। और वहाँ आते हैं कह रहे हमारे एक बिस्सा जमीन नहाए थे तो वहाँ भी बैठा रहते हैं जी। हम कहते हट जाओ, हम नहाए ले। कौन लोग हैं? आपके भाई पटीदार हैं या आपसे कुछ और लोग हैं उसमें? नहीं, गाँव में क्यों हुए जी, ऊपर दूसरा जात नहीं है, ये कही जात। अच्छा, आप ही के बिरादरी के लोग हैं। ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड फैमिली में क्या है, कौन कौन लोग आपके साथ हैं फैमिली में, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में हम अकेले हैं। अच्छा, आप अकेली हैं? नहीं, तो ये बताइए वो नंबर की जगह है या फिर आबादी की जमीन है? लेखपाल ने बताया नहीं क्या? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया हमको। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? हम कुछ नहीं पढ़े हैं जी। जी जी जी, तो इसके लिए जब शुरुआत यानी 2 साल पहले जब ये मामला हुआ तो शुरुआत में आप किसके पास गई थी कि हमारी ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है? गैन हम थाना पर गए, हुसैनाबाद गए, रहरा गए, कोई नहीं सुनवाई किया जी। जिसका रुपया पास उसका सुनवाएगा, तो गरीब बनेगा, कोई नहीं सुनवाई देता है। आपके सामने वाली पार्टी मजबूत है पैसे वैसे में? हाँ, मजबूत है, खूब मजबूत है, मजबूत होएगा तो मजबूत है जी। तो क्या क्या कब्जा हुआ है आपका वहाँ? कब्जा हमारा छपरा उजार दिन, चूल्हा भी बहा दिन, निये भी उजार के बहा दिन है। इतना सब कुछ हो गया? हाँ। इसका ये सब होने के बाद आपने मुकदमा दायर किया होगा? नहीं, पहले मुकदमा रहा, जब भी वो पुलिस आके खड़े के कब्जा कराए हैं। अच्छा, मुकदमा पहले से ही चल रहा? हाँ। था और पुलिस वालों ने आके वहाँ कब्जा करवाया दिन से, सब वीडियो बना है जी। हाँ। वीडियो बना हुआ है। हाँ। ये कब की घटना है जब पुलिस वाले कब्जा करवा रहे थे? ये साल भर, अभी ये फागुन आए तो साल भर हो जाए कब्जा कराए हैं। उनकी तरफ से कौन कौन लोग थे कब्जा करने में? उनके लोगों से ये ओम प्रकाश रहे, रामदास रहे, भगवान दास रहे, हाँ, सब कोई लपटिया है कि कब्जा कराए ना रात बिहान महाली। कितनी जमीनें थी वो? ये एक बिस्सा। एक बिस्सा जमीन के लिए है? हमारे अंगना में है, अंदर घुस गए हैं जी। अब आप कैसे निकलती हैं घर से? अब ऐसे ही निकलते हैं जी। आदमी के आपके क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, यही है घर पर, अच्छे नहीं रहे, बीमार रहते हैं, तबीयत ना ठीक है, हमें भी तबीयत नहीं ठीक रहा है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक बिटिया गुजर गई तो जब बिटिया गुजर गई तो वही मर तो सबको कब्जा की ही है। हाँ, जब बिटिया वाल लहास पर ही रहा यार, सब जने माधो माधो की है रहे हैं, हाली हाली हैं। दूसरे दिन गए तो कोनो सुनवाई नहीं। और ये बच्चा कौन है, कितना बड़ा है? बच्चा भी छोटा छोटा, ठुया दे एक ठुकहूँ हो घर पर ही, एक बिटिया पर शादी कर, एक बिटिया गुजर गई, एक लड़का है। तो मुकदमा जब चल रहा था तब नहीं कब्जा हुआ था ना? नहीं, कब्जा कुछ नहीं हुआ रहा तब जी। सब हमारा रहा, मुकदमे के दौरान ऐसा हुआ? नहीं, हमारा घर द्वार सब कुछ बना है, ये बटुआर एक जगह रहा हमारा घर द्वार, जो आपका जो आज कह रहे हैं कि हमारा नंबर है, तो नंबर उन्होंने अंकित करवाया, दिखाया नंबर? नहीं दिखाया, उनका नहीं मालूम है, वही कह रहे हैं
कागज लेके दौड़त हैं, हम लोग का मारत हैं, हरदम जाके वहाँ घर पर गरियावत हैं, भगावत हैं जी। इस महिला का कहना है कि जब इसकी बेटी की डेथ हुई यानी इंतकाल हुआ तो ये लोग अपने दुख और बिलाप में लगे हुए थे और जो दूसरी पार्टी है वो ज़मीनों पर कब्जा करने के फिराक में लगी हुई थी। और बताया ये भी जा रहा है इस मामले में कि मुकदमा ज़मीन का पहले से चल रहा था और कब्ज़ा अभी जल्द यानी 1-1.5 साल पहले और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर न्यायपालिका क्यों बनाया गया है। न्यायपालिका का कुछ उद्देश्य है कि भाई कोई अगर मामला चल रहा है विचाराधीन है तो उसका निपटारा हो जाए, उस पर कोई ना कोई आर्डर आ जाए, फिर आदमी जिसका जहां जो बनता है वो ले। लेकिन अब तो लोग क्या है कि चंद पैसे अधिकारियों पर खर्च करके खुद दबंगई के बल पर गरीबों का ज़मीन कब्जा करने लगे हैं। इसीलिए ये महिला बता रही है कि ये खुद तनहा है, इसके पति बीमार रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बेटी का डेथ हो गया है और जो इनके विपक्षी हैं वो श्याम दाम दंड भेद लगाकर ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये बताइए कि कौन कौन है उस तरफ से जो आपकी ज़मीनों पर कब्जा काबिज है? अश्विनी कुमार देंगे? हाँ, वो भी जाके वहाँ महारे पर गाड़ी देते हैं गंदे गंदे। रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास? हाँ है। अच्छा, एक बात ये मुझे बताओ कि इसके लिए तो भाई ग्राम प्रधान है या और भी बड़े लोग हैं, गाँव वालों से मिले नहीं आप? मिले नहीं, कोई आए प्रधान भी नहीं मौजूद आए जो हमको मारे गरियाए। अब तनहा आप वन फैमिली हैं तो कोई मदद में भी नहीं आ रहा है? कोई मदद नहीं करता, गरीब मने को मदद करता, कोई नहीं मदद करता है। गरीबों की आवाज़ और गरीबों की परेशानियां हम लोग अक्सर दिखाते हैं और आपने हमारे चैनल पर भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी करस्पॉन्डेंट हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर के हों या बस्ती के हों या फिर लखनऊ से हों, कहीं से भी, हम लोग अक्सर जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट ही तलाशते हैं। आज भी हमको इसी तरह की कुछ खबरें मिली और मैंने अपना कर्तव्य समझा कि इस मामले को डिस्प्ले किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए। अब यहाँ जो सही और गलत का फैसला है वो स्थानीय लेखपाल कर सकता है, प्रधान कर सकता है, और ऐसे लोग अगर फैसला नहीं कर सकते हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सरकार की सैलरी तो लेते हैं लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करते हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं, अभी तो हमने शुरुआत किया इस मामले में कि कहाँ सच्चाई है, अच्छाई है और कहाँ कहाँ इनको परेशान किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज़।